आपको बता दें, करण जौहर को हमेशा ही काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है, जिसके बारे में वो अक्सर बात करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर से गुड बाय कह दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वो अभी भी एक्टिव रहेंगे। दोस्तों, लेकिन ये बात काफी ज्यादा एक सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि करण जौहर ने अपने आखिरी ट्वीट में ये लिखा है, वो कुछ पॉजिटिव एनर्जीज के लिए ट्विटर से दूरी बना रहे हैं और ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर रही हैं। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने आखिरी ट्वीट में ये लिखा, मेकिंग स्पेस फॉर मोर पॉजिटिव एनर्जीज ओनली एंड दिस इज स्टेप वन टुवर्ड्स दैट, गुड बाय ट्विटर। दोस्तों, करण जौहर के इस ट्वीट ने सच में हड़कंप मचा दिया, लेकिन बाद में काफी सारे लोग उनके सपोर्ट में आकर खड़े हो गए कि भाई अगर आपको ट्रोलिंग और इन सब चीजों से इतनी ही दिक्कत है तो सच में आपको ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि करण जौहर जहाँ कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जीज के लिए अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि वो इंस्टाग्राम पर अभी भी एक्टिव रहेंगे। इसके साथ ही कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि अगर आपको पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए और शांति चाहिए अपनी जिंदगी से, तो भाई सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहकर भी क्या ही फायदा। आपको बता दें कि इसके साथ ही KRK, जो हमेशा अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स के चलते सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने करण जौहर के इस गुड बाय के ऊपर लिखा है, उनको अक्सर इतना ट्रोल किया जाता है, ट्रोलिंग की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जैसे ही उनकी नेक्स्ट फिल्म आएगी वो ट्विटर पर वापसी कर लेंगे। दोस्तों, इस प्यारे से ट्वीट के साथ उन्होंने करण जौहर पे जो तंज कसा है वो सभी को समझ आ रहा है। दोस्तों, वहीं बात करें करण जौहर के ट्रोलिंग की, तो करण जौहर हमेशा ही ट्रोलिंग को फेस करते हुए आए हैं, चाहे वो नेपोटिज्म की वजह से हो या फिर अपने ड्रेसिंग कोड की वजह से। हमेशा ही करण जौहर को काफ़ी बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे ट्वीट्स, काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे वायरल होते हैं जिसमें करण जौहर के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग अलग और बेहद अपमानजनक बातें की जाती हैं, लेकिन करण जौहर को खासी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे में इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी के लिए उन्होंने ट्विटर से गुड बाय कर दिया है। दोस्तों, करण जौहर का फेमस चिटचैट शो कॉफ़ी विद करण के सीजन 7 में भी वो इस बारे में बात करते हुए नजर आए थे कि किस तरह से उन्हें नेपोटिज्म और उनके मेंटल हेल्थ को लेकर ट्रोल किया जाता है, जिसके बाद करण जौहर ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी खुलकर बातें की थी और उन्होंने बताया था कि वो किस तरह से अपने कुछ बीते सालों में इस चीज़ से उभरे हैं। इसके साथ ही अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि भाई वो ट्विटर को गुड बाय कह रहे हैं। दोस्तों, करण जौहर का ये फैसला कितना सही है भाई वो तो करण जौहर ही जाने, क्योंकि अभी भी वो इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है, सिर्फ ट्विटर से उन्होंने गुड बाय किया है। वहीं उनका आखिरी ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड टीवी और वेब सीरीज से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।